मैं आरके सिंह, कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए लघुतम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक एलसीएम एंड एससीएफ का पार्ट 10 अभ्यास 10 सी का सवाल नंबर 3 लगाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए भाग देने पर ये हो, तो हम क्या करेंगे, उसका हमको मौसम निकालना है, ये उसका संकेत है। और प्रत्येक दशा में एक शेष रहे तो ये जो संख्याएं दी हैं उसमें से एक घटा देंगे। 125 में से एक घटाए 124, 94 में से एक घटाए 93। अब 124 और 93 का हमको मौसा निकालना है, इनका मौसा ही अभीष्ट संख्या होगी। 93 से 124 भाग दिए, एक बार गया, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गया 3। अब 93 से 31 कटेगा नहीं, तो 93 को इधर ले आएंगे, 31 से भाग देंगे 93 में, 3 बार गया, 31 दिया 93, अभीष्ट संख्या हो गया 31। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 पर आते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी मौसा निकालेंगे और क्रम से 49 में से एक घटाएंगे, 59 में से 3 और 109 में से 5। 49 में से एक घटाए 48, 59 में से 3 घटाए 56। एक सौ नौ में से 5 घटाए 104, 48 से 56 भाग दिए, एक बार गया, 8 बचा, 48 से 8 में भाग जाएगा नहीं, 48 को इधर ले आएंगे, 8 से 48 में भाग गया, 6 बार गया, शेषफल 0 हो गया। अब 8 से हम ले जाएंगे जो सबसे बड़ी संख्या बची 104, उसमें भाग देंगे, 8 कम 8 बचा 2, ऊपर से 4 उतारे, 8 से 24, अंत में 8 से कटा है, अभीष्ट संख्या क्या हो गई, 8। उसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।